बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम कि जिसके कब्जे कुदरत में कायनात का निज़ाम है, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, इसकी बरकतें और रहमतें बेशुमार हैं। यह आखरत कमाने और बनाने का महीना है, इसके लिए पहले से तैयारी करने की ज़रूरत है। इस माह में जितने काम आम तौर पर पेश आते हैं उनमें से जितने काम रमज़ानुल मुबारक से पहले हो सके उन्हें पहले ही कर लें, और जो काम रमज़ानुल मुबारक में करने हों उनमें भी कम से कम वक्त लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रमज़ानुल मुबारक में ज़िक्र व इबादत और दुआ व तिलावत के लिए फारिग करें। बिला ज़रूरत लोगों से मुलाकात भी ना करें ताकि फजूलियात में कीमती महीना या इसके लम्हात ज़ाय ना हो। इस माह में गुनाहों से बचने की खूब कोशिश करें। आँख, कान, नाक, दिल, ज़ुबान और हाथ पैरों को गुनाहों से बचाएं। टीवी ना देखें, गाना ना सुने, खवातीन बेपर्दगी के गुनाह से बतौर ख़ास बचें। झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलौज और लड़ाई झगड़े से बचें। गिर गिरा कर अपनी, अपने वालदैन, अहलो आयाल, बहन भाई, दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारिब और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों की मगफरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर उसकी रज़ा और जन्नत मांगें, उसकी नाराज़गी और दोजख से पनाह मांगें। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया, अय लोगों, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फगन हो रहा है। इस मुबारक महीने में एक रात शब कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। इस महीने में रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज किए हैं और इसकी रातों में बाहर गाय खुदावंदी में खड़े होने को इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत यानी सुन्नत या नफिल अदा करेगा तो उसको दूसरे ज़मानों के फ़र्ज़ों के बराबर उसका सवाब मिलेगा, और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिस्क में इजाफा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोज़ेदार को अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए अफ्तार कराया तो ये उसके लिए गुनाहों की मगफरत और आतिश दोजख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा। बग़ैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की जाए, आपसे अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मैसर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस सवाब अज़ीम से महरूम रहेंगे? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए आगे इरशाद फरमाया, और जो कोई किसी रोज़ेदार को पूरा खाना खिला दे उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी ताकि वो जन्नत में पहुंच जाए। उसके बाद आपने फरमाया, इस माह मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत है और दरमियानी हिस्सा मगफरत है और आखिरी हिस्सा आतिश दोजख से आज़ादी है। इसके बाद आपने फरमाया, और जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में तख़फीफ और कमी कर देगा अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमा देगा और उसको दोजख से रिहाई और आज़ादी देगा।
आप सबको माह रमजान का बाबरकत महीना और इसकी रहमतें मुबारक हो। इंशाल्लाह आप और हम सब मिलकर इस मैसेज पर अमल पैरा होते हुए अल्लाह को खुश करें और जितना हो सके अजर व सवाब हासिल करें। इस मैसेज को फॉरवर्ड करते हुए हमारा साथ दें ताकि हर किसी को माह रमजान की फजीलत और अजर व सवाब का पता चल सके। जज़ाकल्लाह।